Welcome. Miscellaneous episode. इस मॉक टेस्ट में आप सबों का स्वागत है. IBPS RRB का जो एग्जाम होना है उसमें डिफरेंट चैप्टर से आने वाले मिसलेनियस क्वेश्चन एक बड़ी भूमिका अदा करने जा रहे हैं, स्पेशली प्री एग्जाम में. इसमें मैंने बहुत सारे टेस्ट लिए हैं, मॉक टेस्ट लिए हैं और इसका एपिसोड भी ढेर सारा है डिफरेंट प्लेलिस्ट में. आज एक सुंदर सा मॉक टेस्ट है, 4 क्वेश्चंस मिसलेनियस हैं, डिफरेंट चैप्टर्स के हैं और 3 मिनट्स का समय उसके लिए है. इन 3 मिनट्स में उन 4 क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करेंगे. पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचें. आप जितना अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे आपका कॉन्फिडेंस उतना ही आगे बढ़ेगा और जो भी दिक्कत हो टेस्ट के बाद मैं उन्हें एक्सप्लेन करूंगा तो सारी चीजें साफ हो जाएंगी, समझ में भी आ जाएगा. नेगेटिव नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, हमेशा सीखने की कोशिश करते रहनी है. एक टेस्ट के बाद दूसरा टेस्ट, एक क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन, जब आप निरंतर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी. तो फिर आप तैयार हो जाएं टेस्ट के लिए. ओके स्टार्ट. वंस अगेन वेलकम. दरअसल ये जो 4 क्वेश्चंस हैं मिसलेनियस के वो बहुत खूबसूरत हैं, उसमें बहुत कुछ है प्री से लेकर के मेन तक और SBI और IBPS से लेके RBI तक. किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, इस तरह के आ सकते हैं. इन क्वेश्चंस को वास्तव में मुझे बताना था लेकिन चूंकि आपके एग्जाम का समय है तो मैंने एज मॉक टेस्ट इसे ले लिया.
अदरवाइज मॉक टेस्ट के रूप में ये लेने का मेरा इरादा नहीं था। खैर, मॉक टेस्ट कैसा भी रहा हो, छोड़िए, इन क्वेश्चंस को सीखने का प्रयास कीजिए। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पार्टनरशिप का है। ए बी एंड सी स्टार्टेड ए बिजनेस विद देयर इन्वेस्टमेंट्स इन द रेशियो 1:3:5। आफ्टर 6 months ए इन्वेस्टेड 1/3 मोर अमाउंट एंड बी इन्वेस्टेड एज मच मोर अमाउंट एज बिफोर व्हाइल सी विथड्रू 1/5 ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट्स एट द एंड ऑफ द ईयर। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। पार्टनरशिप की मूल थ्योरी क्या है? प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इफ अदर कंडीशंस रिमेंस द सेम। अदर कंडीशंस मींस इंटरवल ऑफ टाइम। समय समान नहीं है तो बनाते हैं, इसके बाद कैपिटल का जो रेशियो होता है वही प्रॉफिट का रेशियो होता है। ये बेसलाइन है, इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ नहीं है। ए बी सी देखिए, ए, ये बी और ये सी, तीनों ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया। इन्वेस्टमेंट का रेशियो 1:3:5 है। एक्स मानने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमें रेशियो लेना है, ऐसे रेशियो लेना है, ऐसे रेशियो लेना है। तो ये 1 है, तो ये 3 है, तो ये 5 है, और इसके साथ बिजनेस स्टार्ट होता है। आफ्टर 6 months, तो 6 months तक तो कुछ नहीं होता, जिनका जो इन्वेस्टमेंट है वही रहता है। लेकिन आफ्टर 6 months ए इन्वेस्टेड 1/3 मोर, यानी इन्वेस्टमेंट बदलता है, तो फिर मंथ में आना पड़ेगा। तो हम लोग बोलते हैं ठीक है, ए ने 1 पैसा लगाया, 1 यूनिट लगाया, 1 लाख लगाया, 1000 लगाया फॉर 6 months, तो दिस इज फॉर 1 month, दिस इज फॉर 6 months, दिस इज फॉर 1 month, दिस इज फॉर 6 months, दिस इज फॉर 1 month। कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर आगे बातें नहीं कही जाती, ये रेशियो होता, 6 को कैंसिल कर देते, जरूरत ही नहीं पड़ता। लेकिन आगे चेंज होना है, क्या होता है? तो 6 months के बाद कुछ होता है। 6 months के बाद क्या होता है? ए इन्वेस्टेड 1/3 मोर अमाउंट। तो पहले से अगर 1 है, 1 और 1/3 मोर होगा तो 4/3 हो जाएगा ना, 4/3 हो जाएगा ना, ठीक। बी इन्वेस्टेड एज मच मोर अमाउंट एज बिफोर, पहले से जितना रुपया था उतना ही और इन्वेस्ट किया, तो हम लिख सकते हैं ना 3:2, यानी कि उसने डबल कर दिया इन्वेस्टमेंट को। अच्छा, उसके बाद सी विड्रू 1/5 ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट, 1/5 निकाल लिया, तो जो भी पैसा था उसका 4/5 रह गया ना। पैसा कितना था? 5, इसका 4/5 रह गया ना, और ये पैसे इनके रहे, इस तरह से रहे। आफ्टर 1 year देयर इज सम प्रॉफिट, हाउ द प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। यानी 6 months के बाद और 6 months गुजरा तो क्या फर्क पड़ता है? 6 तो इररिलेवेंट है, 6 लेने की जरूरत ही क्या है? 6 is taken as common and cancelled, यानी लिखने की आवश्यकता ही नहीं थी, मैंने तो समझाने के लिए लिखा था। 6 is taken as common, cancelled, क्या बचा? 1 and 4/3, यानी इसे मैं ऐसे लिखता हूं, ए बी सी ऐसे लिखता हूं, तो ए का 4/3 और बी का 6 तो कॉमन ले लिए, तो 6 and 3 9, और सी का 6 तो कॉमन ले लिए, तो 4 and 5 9। अब 4:27:27, और पहले वाले का कितना बचा? 4 4 3 7 by 7 by, पहले वाले का 7/4 1 and 4/3, तो 7/3, तो 7:27:27।
ये क्लियर, 1/4/3, 2/1/3 यानी 7/3, इसी रेशियो में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यानी ये 6 मंथ कोई मायने नहीं रखता था, क्योंकि वो 6 मंथ पहले भी था, बाद में भी था, वो कॉमन आया, खत्म हो गया। क्लियर, बोलिए। 6 टेकन एज कॉमन एंड कैंसल्ड, ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का था। तो इसका आंसर क्या हुआ, 7:27:27। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चले। सेकंड क्वेश्चन है, रहीम डिवाइडेड ₹21,000 अमंग हिज वाइफ, अमंग हिज 4 sons, 3 daughters एंड वाइफ। ईच डाउटर गॉट थ्राइस द अमाउंट गिवन टू ईच सन। हिज वाइफ गॉट ₹760 लेस देन द अमाउंट given to each doubter. How much total amount did all the doubters get? देखिए, 21,000 रुपीस को रहीम बांटता है अपनी वाइफ में, अपने 4 बेटों में और 3 बेटियों में। बांटने का कुछ रिवाज है, कुछ सिस्टम है। देखिए, यहां वाइफ है, यहां पर सन है, यहां पर डाउटर है, कहीं भी लिखिए कोई वजह नहीं है, यहां पर डाउटर है। ओके, ईच डाउटर, हाँ डाउटर को सबको सेम सेम देता है, सन को आपस में सेम देता है। ईच डाउटर गॉट थ्राइस द अमाउंट गिवन टू ईच सन। तो यहां डाउटर लिखते हैं और यहां सन लिखते हैं। ईच डाउटर को सन का 3 times देता है। तो हर सन को यदि x रुपया देता हो तो डाउटर को बे हर एक को 3x देगा। 10 रुपीज देता हो तो 30 देगा। ठीक है, ये हिसाब है 3x। हिज वाइफ गॉट रुपीज 760, वाइफ को 760 रुपीज कम मिलता है, लेस देन द अमाउंट गिवन टू ईच डाउटर। ईच डाउटर को जितना देते हैं, ईच डाउटर को कितना देते थे, 3x देते थे, उससे 760 रुपीज कम मिलता है। तो वाइफ को इतना मिला, ईच डाउटर को इतना मिला, ईच सन को इतना मिला। लेकिन सन तो 4 है, सन तो 4 है, तो 4 को कुल मिला के कितना मिला, बेटों को कुल मिला के कितना मिला, 3 doubters हैं, हर डाउटर को 3x दिए, तो 3 doubters को कुल कितना दिए। ठीक है, ये हुआ और ये हुआ, एंड द सम इज ₹21,000। जल्दी बोलिए, समझ में आया कि नहीं, कुल मिला के जो पैसे बटे वो 21,000 रुपीज थे। 9x 4x 3 × 3 9x प्लस 4x 13x प्लस 3x 16x है, और 760 वहां जाके ऐड हुआ तो 21,760 ये हुआ। 16x इज इक्वल टू दिस। ये ऐसा नंबर है, ऐसा डाटा है कि हालांकि हम 4 से काट सकते हैं, पर पूरा विश्वास है कि 16 इसको काटेगा। 16 का टेबल पढ़िए क्या आता है। ₹1,360 ये कटता है, तो x का वैल्यू क्या आया, 1,360। तो 9x मिलेगा ना डाउटर को, क्योंकि डाउटर टोटल कितने हैं, 9x, सन कितने हैं, 4x, वाइफ को कितना मिलेगा, 3x माइनस 760। तो डाउटर को कुल कितना मिलेगा, 9x, 9x मतलब 9 × 1,360। इसे कैसे करेंगे, इसे हम लोग 1400 माइनस 40 करते हैं, 49 या 126 होता है 00, और 94 जा 36 यानी 360 होता है, यानी 12,240 सभी डाउटर को कुल मिलाकर इतने मिलेंगे। बोलिए, समझ में आया या नहीं।
मेरे ख्याल से आ गया होगा। इसका जो आंसर है कि रुपीज 12,240 इतने मिले। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये टू क्वेश्चंस हुए, आइए थर्ड क्वेश्चन। थर्ड कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है। मोहनलाल इन्वेस्टेड अ सर्टेन अमाउंट एट सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम एंड अर्न्ड रुपीज 1350 एज इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3 years। हैड द इंटरेस्ट बीन कंपाउंडेड एवरी ईयर हाउ मच मोर इंटरेस्ट वुड ही हैव अर्न्ड ऑन द सेम अमाउंट एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर 3 years। अगर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा है तो बहुत आसानी से आप इसे बना लेंगे। हम लोग जानते हैं कि प्रिंसिपल मालूम रहे कंपाउंड इंटरेस्ट में तो लाइन डायग्राम से सब कुछ निकल सकता है। सिंपल इंटरेस्ट मालूम है तो और आसानी से निकल सकता है। डिफरेंस को ऐड कर दीजिए तो कंपाउंड हो जाएगा। ऐड करने के लिए कहता कौन है, हाउ मच मोर इंटरेस्ट पूछा है, दैट मीन्स डिफरेंस। एक सिंपल सा सवाल है जो जस्ट तुरंत मुश्किल से 5 सेकंड में बन जाए। देखिए ऐसा है कि प्रिंसिपल कुछ भी रहा हो, थर्ड नंबर क्वेश्चन, प्रिंसिपल कुछ भी रहा हो, एक बात तो तय है कि 3 years में अगर ये मिला है 1350 तो 3 से इसे डिवाइड कर दीजिए तो आया 450 रुपीज। ये हर ईयर मिला होगा एज सिंपल इंटरेस्ट और रेट क्या है 6% पर एनम। कंपाउंड में होता सिंपल में होने से 450 मिला, कंपाउंड में होता तो ज्यादा मिलता। ज्यादा मोर को क्या बोलते हैं, डिफरेंस बोलते हैं। और डिफरेंस को कहां लिखते हैं, यहां लिखते हैं। इसके लिए कोई और प्रिंसिपल एक्स्ट्रा होता नहीं, कुछ और मिलता नहीं। 6% का रेट है यानी 6% इसका मिलेगा जो एक्स्ट्रा होगा जो सेकंड ईयर होगा। 450 के 6% को क्या कहते हैं, जो 900 के 3% को कहते हैं, 27 नहीं समझे। 6% ऑफ 450 मुझे पसंद नहीं है लेकिन 3% ऑफ 900 बहुत पसंद है। इसको हाफ कर दिया, इसको डबल कर दिया और 9 टाइम्स तो होता है 27। अगर यहां इसका 27 मिला तो यहां पर इन दोनों का 54 तो मिलेगा ही मिलेगा। रहा सवाल इसके 6% का, तो इसका 6% बस निकाल दीजिए। 1% क्या है, 0.27 पॉइंट बाद में देंगे ना। 6 से 27 को मल्टीप्लाई कीजिए, अरे 30 को कीजिए ना, 180 में 18 हटा दीजिए, 162 और फिर बोलिए लीजिए। नहीं समझे, 6 से 27 को मल्टीप्लाई कर रहा, पसंद नहीं है ना, ये मुझे पसंद है, ये मुझे पसंद है। तो ये वो 162 आएगा कि नहीं, और 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल जो देना था। ठीक है, 27 3 जा क्या होता है, 81 and 1 82.62, यही एक्स्ट्रा मिलता। जो पैसा यहां होता है उसका 6% तो सिंपल इंटरेस्ट के रूप में यहां लिखा हुआ है, डिफरेंस कुछ तो है नहीं और पैसा के मिले। जो पैसा यहां तक है इसका तो मिल चुका 450, इसका 6% कौन देगा। यहां तक जो पैसा है इसका 6% तो ले चुके, इसका 6% इतना होता है, दोनों का 6% 54 दे दिया और इसका 6% निकाल लिया, दैट्स ओवर, और तो कुछ होता नहीं कंपाउंड में। आंसर क्या हुआ, रुपीज 82.62 आंसर। एंड द लास्ट क्वेश्चन, वेरी नाइस। आइए, ऐसे क्वेश्चंस तो आएंगे एग्जाम में।
मैं समझाता हूँ, समझ में आएगा। ये मेंसुरेशन का सवाल है, ऐसे सवाल बनेंगे, आएंगे। द कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग ए ट्रेपेजॉइड फील्ड एट द रेट ऑफ रुपीज 1.75 पर मीटर स्क्वायर इज रुपीज 567। परेशान मत हुई, मैं अभी बताता हूं। द डिफरेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स इज 8 मीटर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 24 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स। दोनों का लेंथ बताना है। पैरेललोग्राम आप पढ़े, उससे वन स्टेप पहले ट्रैपेजियम। ट्रैपेजियम पैरेललोग्राम में दोनों ही साइड्स आमने सामने वाले पैरेलल होते हैं। इसमें वन पेयर पैरेलल होता है, बस और कुछ नहीं होता। वही वन पेयर जो पैरेलल लाइंस है उसका डिफरेंस दिया हुआ है, उसके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है। और एक इंपॉर्टेंट बात दी गई, उसका क्या मतलब है बताता हूं। आप सोचिए, मेरा एक फील्ड है, इसमें कुछ काम करना है, ग्रेजिंग करना है, ग्रास कटिंग करना है, ब्यूटिफिकेशन करना है, मार्वलिंग करना है, जो भी काम करना, मतलब ये काम करना है, प्लॉइंग करना है, कुछ भी करना है। तो मान लीजिए कि बोलें कि खर्चा कितना आएगा भाई, तो 4 रुपीज पर स्क्वायर मीटर पर। मेरा तो 100 स्क्वायर मीटर है, तो समझिए। पर कोई बोले 4 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, मेरा तो 25 या 100 मीटर स्क्वायर है, तो हर किसी का 4 मीटर स्क्वायर करके, 4 रुपीज पर मीटर स्क्वायर करके लगेगा, 4 रुपीज पर मीटर स्क्वायर करके लगेगा, तो 100 मीटर स्क्वायर का 4 मीटर स्क्वायर लगेगा। पलट के बोले, पता नहीं, देखिए एरिया कितना है समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मेरे हमसे तो आपने 400 रुपए ले लिया, 400 रुपीज ले लिया इस फील्ड पर काम कराने का, आपने 400 रुपीज ले लिया। अरे रेट क्या था भाई, रेट तो 4 रुपीज पर स्क्वायर मीटर था, इसका मतलब मेरा एरिया 100 मीटर स्क्वायर था। बस यही टोटल खर्च दिया हुआ है, इतना रुपया पर स्क्वायर मीटर एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, डिवाइड कर दीजिए, एरिया मालूम हो जाएगा। नंबर में बड़ा खूबसूरती है, 1.75 से हमको डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है, तो ये 567। किसी का भी पसीना छूट जाए, भाई कैसे डिवाइड करते हैं, तो आसान नहीं है। 5 यूनिट पर होता है, डबल करते हैं 25 हो, 4 टाइम्स करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई किया, अरे यहां क्यों करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई किया, 7 ना हो गया, यही तो है। मल्टीप्लाई करने की जरूरत क्या है, 81 × 4 रहने दीजिए ना, बस 5 यूनिट पर होता है, डबल करते हैं इसको, 4 टाइम्स किया, 1.75 का डबल, 3.5 का डबल, 7, ऊपर में डबल नहीं किया, बस 4 टाइम्स नहीं किया, लिख दिया, चाहिए नहीं, 7 से ये डिवाइड हुआ, 81 × 4, मल्टीप्लाई मत कीजिए, जरूरत है। तो ट्रैपेजियम थोड़ा समझिए, ट्रैपेजियम में ये पैरेलल साइड्स है, बाकी कुछ दिया हुआ नहीं है, मालूम नहीं कैसा है, ऐसे है, ऐसे है, कुछ ऐसे है, मालूम नहीं, लेकिन डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स दिया हुआ है। दिस इज 8 मीटर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। ये जो ABCD है ना, इसका एरिया तो मैं मालूम हो गया। मान लीजिए ये एक पैरेलल साइड से दूसरा ये पैरेलल साइड, मान लीजिए कि एक्स है दूसरा ये वाई है, पैरेलल साइड। तो जो एरिया होता है, एरिया जो होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू 24, डिस्टेंस बिटवीन देम पैरेलल साइड्स, दिस इज 24, ठीक है, तो 24 दिया हुआ है। लीजिए एरिया कितना है, 81 × ये तो हटाइए ना, ये क्यों रखे, 81 × 4 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू 12 है। ये तो आपको समझ में आ रहा है, कैसे समझ में आ रहा है, देखिए तो 12 में क्या होता है, 4 होता है और 3 होता है, 27 3 जा होता है ना, बस तो x plus y is equal to 27 and x minus y difference between parallel sides is given 8, 2x क्या होगा सम, x क्या होगा,
ये 35 हुआ 17.5 और y कितना हुआ, y कितना हुआ, कहीं से भी 17.5 हुआ तो कितना हुआ 9.5 हुआ, x plus y 27, यही इसके आंसर हुए 17.5 मीटर एंड 9.5 मीटर। आंसर बोलिए समझ में आया नहीं, इन क्वेश्चंस को बनाइए, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जितना ज्यादा नॉलेज होगा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, सफलता को भला कौन रोक सकता है, थोड़ा आगे या थोड़ा पीछे। ऑल द बेस्ट।